हेलो नमस्ते, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मैंने जलेबियाँ बनाई हैं, बहुत ही क्रिस्पी जलेबियाँ बनी हैं। आप देख सकते हैं इसे, बहुत ही करारी बनी है। आप इसे घर पर बना सकते हैं आसानी से, एकदम बाजार जैसी बनी है जलेबी, बहुत ही क्रिस्पी बनी है। बहुत ही क्रिस्पी बना है, आप इसे घर में बनाएं और टेस्ट करें, बहुत ही टेस्टी बनाया है। मैंने इंग्रेडिएंट लिया है, मैदा लिया है, मूंग और उड़द की दाल को मैंने 4 से 5 घंटे भिगा लिया है अच्छे से। आप देख सकते हैं ये अच्छे से फूल चुका है। एक कटोरी मैंने मैदा लिया है, 4 से 5 चम्मच मैंने चावल भिगा कर लिया है। आप चाहें तो पाउडर भी डाल सकते हैं। अब ये दोनों को ग्राइंड करना है। मैंने चावल और दाल को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं मैंने इसका थिन पेस्ट बना लिया है। ये अच्छे से थिन पेस्ट हो चुका है। अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। मैंने एक बाउल लिया है, अब इस पेस्ट को इसमें डालेंगे। मैंने इसमें डाल दिया है पेस्ट को। अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। ये मैंने मैदा लिया, अब हम मैदा को ऐड कर रहे हैं। इसे अच्छे से मिला लेना है। इसमें कोई सी भी लम्स वगैरह नहीं रहने चाहिए। मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिल चुका है। मैंने इसका मोटा पेस्ट बनाया है, ज़्यादा पतला नहीं रखना है। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पे 12 से 15 घंटा के लिए फर्मेंट होने के लिए छोड़ देंगे। तब हम फिर इसकी जलेबी बनाएंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये 12 से 15 घंटा अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। कितना फ्लफ़ी है ये, आप देख सकते हैं ये बहुत ही फूल कर फ्लफ़ी हो गया है। हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फर्मेंट होने के बाद थोड़ा ये पतला हो जाता है, तो हम इसमें 4 चम्मच मैदा ऐड करेंगे। मैं 4 चम्मच मैदा लेती हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करना है। मैंने 2 चम्मच और लिया है मैदा। आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। मैंने इसका मोटा पेस्ट बनाया है। अब हम चाशनी बनाएंगे। मैंने आधा किलो के लगभग चीनी लिया है। मैंने 2 ग्लास चीनी लिया है। अब हम इसमें 1 ग्लास पानी डालेंगे। तो मैंने 1 ग्लास पानी डाल दिया है। गैस को ऑन कर दिया है। अब इसे अच्छे से घुलने तक मिलाना है। हमारी चीनी अच्छे से घुल चुकी है, आप देख सकते हैं। इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, इसे चेक करते रहना है। जब इसमें एक तार की चाशनी बन जाए तो हमारा चाशनी तैयार हो गया हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा एक तार की चाशनी बन चुका है। हमारी चाशनी तैयार हो गई। अब इसमें हम फूड कलर मिलाएंगे। आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने यहाँ ऑरेंज कलर का फूड कलर लिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें कुटी हुई इलायची डालेंगे। मैंने उसमें थोड़ा सा पानी ले लिया है।
आप पाउडर डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब हम जलेबी डालेंगे तो ये थोड़ा गर्म होना चाहिए। अब हमने पैन चढ़ा दिया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, मैंने थोड़ा सा और ऐड किया है ऑयल। इसे हाई फ्लेम पे रखना है, लो फ्लेम पे नहीं रखना है, नहीं तो हमारी जलेबी अच्छी नहीं बनेगी, चिपक जाएगी। इसे हाई फ्लेम पर ही रखना है। हमने एक तेल का पाउच लिया है, इसे खाली कर लिया है, और इसमें हम बैटर डालेंगे। आप चाहे तो कोन ले सकते हैं, मार्केट में कोन अवेलेबल रहता है जलेबी बनाने के लिए। अब हम इसमें बैटर को डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। हमने बैटर ले लिया है, इसे अच्छे से पकड़ लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा कट लगाएंगे। मैंने थोड़ा सा कट कर लिया है, ज़्यादा नहीं काटना है। पहले ट्राई कर लेना है कि वो अच्छे से। देख रहे हैं हमारी जलेबी बन रही है कि नहीं, हमारी जलेबी अच्छी बन रही है। हमने फ्लेम को हाई रखा है, लो नहीं किया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है, हमारी जलेबी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसे पलट देंगे। हमने इसे पलट दिया है, हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है जलेबी। अब हम इसे चाशनी में डालेंगे। इसे थोड़ा सा और सेक लेना है। ये भी हमारी हो चुकी है, अब हम इसे चाशनी में डालेंगे। इसे 1 से 2 मिनट इसमें रहने देना है ताकि वो अच्छे से अब्जॉर्ब कर ले चाशनी को, उसके बाद हम इसे निकालेंगे। एक बार हम और बना रहे हैं, आप देख सकते हैं। ऐसे ही सारी जलेबियाँ हमें बना लेनी है और चाशनी में डिप कर लेना है थोड़ा थोड़ा करके। आप छोटा छोटा ही बनाएं, ज़्यादा ही अच्छा बनेगा। आप देख सकते हैं ये भी गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे चाशनी में डाल दिए हैं। इसे अच्छे से डिप करना है। हमारी जलेबी अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुकी है चाशनी में। हमें सारी जलेबियाँ बना लेनी है। हमारी जलेबियाँ एकदम बाजार जैसी क्रिस्पी बनी है। आप भी घर पर इसे बना सकते हैं, खा सकते हैं। इसमें हमने सोडा और बेकिंग सोडा कुछ भी ऐड नहीं किया है। हम इसे निकाल देंगे।
ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसे निकाल देंगे, पलट देंगे। इसे हम अच्छे से पकने देंगे। हमारी जलेबियाँ अच्छे से पक चुकी है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है, आप देख सकते हैं। हमने सारी जलेबियाँ बना ली है, आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी जलेबियाँ बनी है, बहुत ही करारी और क्रिस्पी बनी है। बहुत ही टेस्टी दिख रही है, एकदम बाजार जैसी दिख रही है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ही क्रिस्पी बनाया है, आप इसे घर में बनाएं और टेस्ट करें, बहुत ही टेस्टी बनाया है।